बीटेक में कौन सा लैपटॉप लिया जाए जिससे बिना कोई दिक्कत इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर्स की पढ़ाई में आने वाली सभी जरूरत की चीजें अच्छे से हो जाए। जी हाँ, ये एक मेजर क्वेश्चन रहता है बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का या फिर उन बच्चों का जो बीटेक में जाने का प्लान कर रहे होते हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है दो वजह से। एक तो ये कि लैपटॉप की जरूरत तो आपको पड़ने ही वाली है थ्रू आउट इंजीनियरिंग। बेशक आप किसी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर विदाउट लैपटॉप निकाल भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद तो लैपटॉप आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरी वजह यह है कि बीटेक में एडमिशन लेना, इंजीनियरिंग की फीस देना, ये सब ऑलरेडी पेरेंट्स का इतना ज्यादा खर्चा करा चुका होता है, तो लैपटॉप खरीदना एक और हैवी इन्वेस्टमेंट होती है आप सभी के लिए इस टाइम इंजीनियरिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको किस बजट के अंदर किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने इंजीनियरिंग के लिए लैपटॉप सिलेक्ट करना है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। आप मुझे बीटेक का अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हो, क्योंकि बीटेक से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हुए। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हो और बीटेक को लेकर बहुत कुछ जानना चाहते हो तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके इंजीनियरिंग करियर में हेल्पफुल साबित होती है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंजीनियरिंग में लैपटॉप आपको कहां कहां काम आने वाला है। सबसे पहला है आपके एकेडमिक्स में, जैसे ऑनलाइन असाइनमेंट्स, क्विजेज, PPTs प्रिपेयर करना, ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल सबमिशंस, ऑनलाइन लर्निंग, YouTube लेक्चर्स, ये सभी। कोडिंग की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कोडिंग के जरिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको लैब्स के अलावा बेटर हैंड्स ऑन के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ने वाली है। हैकाथॉन्स, वर्कशॉप्स, अदर इवेंट्स, इनमें भी आपको लैपटॉप बहुत काम में आएगा। MATLAB, SolidWorks, ऐसे कुछ इंजीनियरिंग के बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें आपको अपने मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग। इसके लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है। पर्सनल यूज देखें तो मूवीज आप देखोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे, गेमिंग करोगे, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज को मैं सेकेंडरी लेके चलूंगा, क्योंकि ऐसे तो प्राइस और स्पेसिफिकेशंस दोनों ही लैपटॉप के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा लैपटॉप आपको लेना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा लैपटॉप की वो स्पेसिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग के हिसाब से। फिर आप अपने हिसाब से उन स्पेसिफिकेशंस को मैच करके अपने पसंद का लैपटॉप ले सकते हैं। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके इन सभी कामों के लिए सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा कि जो आपका लैपटॉप है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही चूज करें। विंडोज इसलिए क्योंकि इस पे काम करना और इसका इंटरफेस को समझना आपके लिए इजी होगा। जिन्होंने लैपटॉप पहले इस्तेमाल नहीं किया है वो भी इस पे इजीली अपना हाथ बैठा सकते हैं। अब आते हैं कि आपके लैपटॉप की रैम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम प्रोसेसर जो डेटा यूज कर रहा है उसे कहां शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर रहा है। इसलिए रैम अच्छी होगी तो आप फास्ट काम कर पाएंगे। इसलिए इंजीनियरिंग के सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के चलें तो मिनिमम रैम 8GB जरूर होनी चाहिए। 4GB रैम में आप बेसिक एकेडमिक्स के काम कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग, हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन 4GB रैम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जानते हैं रोम रिक्वायरमेंट आपके लैपटॉप की कितनी होनी चाहिए, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं लैपटॉप की हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है HDD और दूसरी होती है SSD। SSD कंपैरेटिवली फास्ट होती है HDD के, और SSD आजकल तकरीबन आपको एवरेज रेंज वाले सभी लैपटॉप्स में मिल जाएगी। HDD की अगर हम बात करें तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट आपके लैपटॉप के लिए 512GB होनी चाहिए, और SSD की अगर हम बात करें तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 256GB होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर की। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि Intel i5 6th जनरेशन प्रोसेसर या फिर उसे ऊपर का प्रोसेसर ही आप ऑप्ट करें। प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैपटॉप में। ये लैपटॉप आपने पूरे 4 साल चलाना है इंजीनियरिंग में, तो मैं चाहता हूं कि चीजें आपकी स्मूथली चले, इसलिए इंटेल i5 6 जेन से ही ऊपर लें। ग्राफिक्स कार्ड की अगर मैं बात करूं तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपके सिस्टम में अच्छा रहेगा फॉर वीडियो एडिटिंग एंड हैवी सॉफ्टवेयर्स एज कंपेयर टू इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीन साइज। इंजीनियरिंग में स्क्रीन साइज फुल स्क्रीन रखना अच्छा रहेगा, यानी कि 15.6 इंचेस। बड़ी स्क्रीन में आपको कोड करना, असाइनमेंट सबमिट करना और आंखों पे इस वजह से कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आप काफी टाइम लैपटॉप पे गुजारने वाले हो इंजीनियरिंग में। और ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से लेनोवो, एसुस, डेल, HP जैसे लैपटॉप को आप प्रेफर कर सकते हैं। अब स्पेक्स तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इन स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप आज की डेट में आपको 45,000 से 50,000 की रेंज में मिल जाएंगे,
और मुझे पता है कि ये एक अच्छा खासा बजट है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि 4 साल हमें यही लैपटॉप चलाना है, तो आप समझ लीजिए पर ईयर 12,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस लैपटॉप पे। और आई एम 100% श्योर लैपटॉप का ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा इंजीनियरिंग में और आने वाले करियर में, प्रोवाइडेड आप इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करते हैं। तो इन सभी स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग में कोई खास इशू नहीं आएगा लैपटॉप फ्रंट से। बाकी उसे कैसे यूज करना है, कैसे उसे मेंटेन करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर इंजीनियरिंग में लैपटॉप सिलेक्ट करने में बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं बीटेक पे फ्री करियर काउंसलिंग वो भी बाय सनस्टोन, तो जस्ट चेक द लिंक इन द पिन कमेंट बिलो और यही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम जल्द लेके आएंगे बीटेक पे एक ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू। We'll be right back.